अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है फूल गोभी के हवाले से। और फूल गोभी को हम लोगों ने पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखा दी है, इसको हम लोग काटते हैं। और क्योंकि इसकी रेसिपी को हम लोग कैसे तैयार करेंगे, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो फूल गोभी है इसको काट के तैयार कर लेना है। हम लोग काट ले पहले फूल गोभी को, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि हम जो सी हमारी आज की रेसिपी है फूल गोभी के हवाले से वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, ये मैंने घी डाल दिया। आज पका रहे हैं हम बंद गोभी गोश। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने पहले आप लोगों को दिखाया था कि गोभी है जो सी बंद गोभी, वो हम लोगों ने काट ली, ठीक है। उसको हम लोगों ने काट के रख लिया है। और क्योंकि आज हमारी रेसिपी बंद गोभी गोश्त की है तो गोश्त को हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। अब हम लोगों ने इसको घी डाल के भूनना है अच्छी तरह से। कुकिंग में हम लोगों ने इसे शामिल कर दिया है और इसके बाद हम लोग इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। और फिर गोश वैसे मतलब नमक मिर्च डाल के, लहसुन प्याज डाल के पका लिया था, ठीक है। मतलब जो मतलब एज यूजल हमारी एक होती है गोश्त तैयार करने की तरकीब, उसके मुताबिक हम लोगों ने आपको सिखाया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। तो उसके मुताबिक हम लोगों ने गोश्त तैयार कर लिया ताकि इजी हो जाए थोड़ा सा। तो हम लोगों ने पहले से ही ना ये गोश्त को बना लिया था क्योंकि आपको पता है किस तरह बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने जो बंद गोभी अभी डालनी है इसके अंदर कि हम लोग नहीं, बस ये भून लें ना 2 मिनट, तो फिर इसमें बंद गोभी डाल के गला के फिर भूनते हैं फिर गोभी को। बहुत मज़े की बनती है, आप बनाएँ गोभी, बंद गोभी बहुत अच्छी बनती है। और वैसे फूल गोभी तो मतलब बनती रहती है, तो बंद गोभी का ये है कि थोड़ा सा आग में भुनी गई अच्छी तरह हांडी हमारी फ्लेवर चेंज हो जाएगा। ये मैंने धो ली थी काट के गोभी, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। हाँ जी, जल्दी हो जानी है इसमें बंद गोभी में। पानी नहीं डालना इसमें। ओके, मतलब ऐसे ही हम लोगों ने पकने के लिए रख देना ऐसे? नहीं, अब ये डाल के ना मैं ऐसे ना हल्की आंच पे रख दूंगी ना, तो इसमें पानी खुद ही निकल आना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। मतलब ये अपने ही पानी में जो है ना। हाँ जी, ये ज्यादा सी लग रही है ना, तो है नहीं ये पक्की शीरिंग हो जाना पानी जो उसका रिड्यूस सब होगा। हाँ जी, है नहीं ये ज्यादा, वो वैसी लग रही है, ज्यादा है नहीं। अभी इसने शीरिंग हो जाना पक्की में, तो थोड़ी सी हो जाती है, बहुत थोड़ी सी हो जाना इसमें अभी। तो ये मैंने रख दिया ना, अब हल्की आंच पे रख देती हूं। हां जी, ये बड़े वाला रह गया पत्ता, कोई बात नहीं, जो तो लेते हैं। घी डाल दिया, आज पका रहे हम बंद गोभी गोश्त। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने पहले आप लोगों को दिखाया था कि गोभी है जो सी बंद गोभी, वो हम लोगों ने काट ली, ठीक है। उसको हम लोगों ने काट के रख लिया है। और क्योंकि आज से हमारी रेसिपी बंद गोभी गोश्त की है तो गोश्त को हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। अब हम लोगों ने इसको घी डाल के भूनना है अच्छी तरह से। कुकिंग में हम लोगों ने इसे शामिल कर दिया है और इसके बाद हम लोग इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। और फिर गोश्त वैसे मतलब नमक मिर्च डाल के, लहसुन प्याज डाल के पका लिया था, ठीक है। मतलब वही जो मतलब एज यूजल हमारी एक होती है गोश्त तैयार करने की तरकीब, उसके मुताबिक हम लोगों ने आपको सिखाया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। तो उसके मुताबिक हम लोगों ने गोश्त तैयार कर लिया ताकि इजी हो जाए थोड़ा सा। तो हम लोगों ने पहले से ही ना ये गोश्त को बना लिया था क्योंकि आपको पता है किस तरह बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने जो बंद गोभी अभी डालनी है इसके अंदर कि हम लोग नहीं, बस ये भून लें ना 2 मिनट, तो फिर इसमें बंद गोभी डाल के गला के फिर भूनते हैं फिर गोभी को। बहुत मज़े की बनती है, आप बनाएँ गोभी, बंद गोभी बहुत अच्छी बनती है। और वैसे फूल गोभी तो मतलब बनती रहती है, तो बंद गोभी का ये है कि थोड़ा सा आग में भुनी गई अच्छी तरह हांडी हमारी, फ्लेवर चेंज हो जाएगा। ये मैंने धो ली थी काट के गोभी, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है दिखने में।
अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। हाँ जी जल्दी हो जानी है इसमें बंद गोभी में। पानी नहीं डालना इसमें। ओके मतलब ऐसे ही हम लोगों ने पकने के लिए रख देना ऐसे? नहीं अब ये डाल के ना मैं ऐसे ना हल्की आंच पे रख दूंगी ना तो इसमें पानी खुद ही निकल आना। अच्छा 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 सही मतलब ये अपने ही पानी में जो है ना। हाँ जी ये ज्यादा सी लग रही है ना तो है नहीं पक के शेयरिंग हो जाना पानी जो उसका रेडी हो सब होगा। हाँ जी है नहीं ये ज्यादा वो वैसी लग रही है ज्यादा है नहीं अभी इसने शेयरिंग हो जाना पक्की मतलब थोड़ी सी हो जाती है वो थोड़ी सी हो जाना इसमें अभी तो ये मैंने रख दिया ना अब हल्की आंच पे रख देती हूँ। हाँ जी ये बड़े वाला रह गया पत्ता कोई बात नहीं चलो तोड़ लेते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रेश है कहते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी सी आवाज आई है। अब इसको पकने के लिए रख रहे हैं हम लोग। व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना हमारी आज की वीडियो को देखना कि मज़ेदार सी बंद गोभी गोश्त रेसिपी वो कैसे तैयार हो। जी तो व्यूअर्स अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी रेसिपी है वो कैसी तैयार हो रही है क्योंकि हम लोगों ने जो गोभी को है माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी नीचे हो गई है अभी और थोड़ी सी गले गई है तो फिर इसे भून के तो इसमें ना घी निकल आएगा तो फिर ये तैयार हो जाएगी। देखिए नरम भी होना शुरू हो गई और हम लोगों ने पानी कोई इसके अंदर नहीं डाला एक्स्ट्रा तो ये देखिए पानी निकल पानी तो होता है इसके अंदर ये देखिए पानी निकला है क्रंची क्रंची सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी फ्रेश सी ये गोभी थी तो मजीद इसको अब हम लोग फिर दोबारा ढककर रख देते पकने के लिए क्योंकि अब ये थोड़ी सी और गल जाइए माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सारी सब्जियां खानी चाहिए। हाँ टेस्ट जरूर कर चाहिए फिर जो आपको पसंद हो वो आप ज़्यादा उसको ये बहुत अच्छी बनती है। जी तो व्यूअर्स जब हम लोग चेक करते हैं कि हमारी जो सी रेसिपी है वो तैयार हो गई है या नहीं माशाल्लाह हो गई है तैयार आप भून लेते हैं इसे। ठीक है तो हम लोगों ने अब इसको भूना है इसके बाद जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर की बंद गोभी गोश्त की पसंद आएगी। तो अब मम्मा इसको भूनने के बाद क्या हम लोग इसको रिशॉर्ट करके बस हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके लास्ट पे धनिया हरी मिर्च ये कितना प्यारा हो गया धनिया डालने से घी भी निकल आया। भूनी जा रही है अभी है इसमें पानी ना थोड़ा सा जो सूख जाए थोड़ा सा पानी इसको हम लोग अभी ड्राई कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी ये देखें माशाल्लाह घी निकल आया अब ये हमारी हांडी ना अच्छी तरह भूनी गई है बहुत अच्छा इसका टेस्ट है नमक मिर्च भी सेट है अब हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखें बहुत मज़ेदार सी माशाल्लाह खुशबू आ रही है और देखने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है बिल्कुल घुली नहीं है पता चल रहा है कि हम लोगों ने क्या बनाया बंद गोभी की शक्ल है वो भी बनकर आ रहा है गल भी गई है घी भी आ गया है और बहुत ही मज़ेदार सी ये जो हमारी आज की रेसिपी है ये तैयार हो गई है ये है इसका फाइनल लुक। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी क्योंकि जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है बंद गोभी गोश्त की इसको ज़रूर ट्राई करें हमें अपनी फीडबैक दें। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है गोश्त भी गल चुका है और ये जो घी है ये भी बिल्कुल मतलब तैयार हो गया है और ये साइड्स पे आ गया इसका मतलब ये है कि जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए हमें इजाज़त दें हम आपके लिए दुआ गो हैं हमें दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।